हमारे ससुराल में वो जो प्रेम क्रीड़ा करते पकड़े गए थे। हाँ हाँ पगली, वही वही। लव यू टू। प्रेम को थूकते नहीं पगली, आई लव यू टू होता है। सही पकड़े हैं, हम आपसे बहुत ही प्यार करते हैं लड्डू के भैया, सच्ची बहुत बहुत ज्यादा। लेकिन हम तुमसे भी ज्यादा प्यार करते हैं पगली। ना ही, लेकिन हम आपसे, हम पगली तुमसे इतना प्यार करते हैं कि दुनिया का कोई भी पति इतना प्यार अपनी पत्नी से नहीं करता होगा। क्या बताए लड्डू के भैया, आपका ये बातें सुनकर हमको कितना खुशी हो रहा है, हमारे कानों में शहद घुल रहा है। आई एम प्राउड ऑफ यू। फ्रॉड नहीं पगली, प्राउड होता है। सही पकड़े हैं। फ्रॉड का अम्मा का फोन है। हाँ अम्मा, प्रणाम कर रहे हैं। हाँ खुश रहो, क्या कर रहा है बैल? बस अम्मा सोने की तैयारी चल रही है। बहुरिया है का आसपास? हाँ बहुरिया पास में ही है। अम्मा जी का कॉल है ना। अच्छा, उका कोनो बहाने से बाहर भेजो। अच्छा पगली, तनिक हमारे लिए वो गर्म पानी में शहद मिला के लाओ, तनिक गले में खराश हो रही है, जाओ। हमको अम्मा जी से बात कराई। अरे एक मिनट, हमारी जरूरी बात चल रही है ना, जाओ हमारे लिए गर्म पानी में शहद घोल के लाओ, जाओ। ठीक बा, अम्मा जी हम आके आपसे बात करते हैं। हाँ बोलो अम्मा। देखो बहुरिया का कुंडली में कछु गड़बड़ चल रहा है। का गड़बड़ चल रहा है? अरे वो बीमार पड़ सकती है, उसका सेहत बहुत बिगड़ सकता है। अरे नहीं नहीं अम्मा, अंगूरी बीमार पड़ जाएगी हम कतई बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर अंगूरी बीमार पड़ गई अम्मा तो घर कौन संभालेगा, पूरा रायता फैल जाएगा। तो अगर तू चाहता है कि वो बीमार नहीं पड़े तो एक तो उपाय करना पड़ेगा। अब पिछले 8 साल से उपाय ही तो कर रहे हैं अम्मा, बताओ का उपाय है? तुमको अयासी करना है, 3-4 नचनिया ला करके घर में नचाना है और रात भर पीना है, और ये सब तुमको बहुरिया के सामने करना है। और सुनो, बहुरिया के आंसुओं से पिघलना नहीं है, समझा? रह गई पगली। आ गई आ गई। आपके नेत्रों के कमंडल में जो प्रेम रस है, हम उसका स्वादन करना चाहते हैं बेला जी, लेकिन क्या बताएं, हमें हमारी बीवी से बहुत डर लगता है, वो बहुत जज्बाती है, बात बात में पिन्नाने लग जाती है, और फिर जब उसे पता चलेगा हमारे और आपके प्रगाढ़ प्रेम संबंध के विषय में, तो खामखा पिन्ना जाएगी, फिर कभी अम्मा को फोन, कभी डैडू को फोन। और बेला जी हम नहीं चाहते कि हमारे और आपके नाजायज प्रेम संबंध के विषय में किसी को खबर हो, क्योंकि एक बार खबर हो गई तो फिर रायता फैल जाएगा, रायता फैल जाएगा तो फिर हम और आप एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, जुदा हो जाएंगे, और हम आपकी जुदाई बर्दाश्त ना कर पाएंगे बेला जी, नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। What the fish? भैया तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, उल्टी उल्टी सलाह दे रहे हो हमको आप? कसम खा के कह रही हूँ, अगर पकड़े गए ना तो वो निछावरखोर दरोगा हप्पू सिंह और कमिश्नर साहब उल्टा लटका लटका के मारेंगे। लेकिन मुझे तो विभूति भैया का ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। Naughty girls, I like it. लेकिन मुझे कुछ खास नहीं लगा। मैं आप लोगों से पूछ भी नहीं रहा हूँ कि किसको खास लगा, किसको आम लगा। जिसको करना है करो, वरना शहर में बहुत सारे लौंडे हैं जो बेरोजगार घूम रहे हैं। भैया 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 मैं दूंगा आपका साथ। मुझे पता सकता ना जी, आप देंगे मेरा साथ? भैया मुझे तो बस 4 थप्पड़ से मतलब है, 4 थप्पड़ से। साथ देना या न देना, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। आपको मैं 4 थप्पड़ दूंगा सक्सेना जी, लेकिन मैं तो रोज के 40,000 कमाऊंगा, 40 grand a day।
What the hell? Yeah? 40,000 bucks? 40,000 रुपए कैसे? देखो बेटा ऐसा है कि शहर में जब तक अय्याश हैं और अय्याशी जिंदाबाद है तो हम जैसे आदमी कम से कम रोज का 10 लाख तो कमाई रखते हैं। No props, बैडी। हम भी ट्राई कर लेंगे। जामे का है। हमारी भैया हाँ आ रही है। जॉर्ज पॉल्यूस से क्या बोलते हैं? भाई जब सब राजी तो क्या करेगा काजी? तो ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज से नॉटी गर्ल्स की, ठीक है? मैं टीका टिलू सक्सेना जी, हम बनेंगे नॉटी गर्ल्स। और चूंकि चाच बहुत बड़े चिरांद हैं, बहुत पहुंची हुई चीज है, इन्होंने गली गली की खाक छानी हुई है, उस लिहाज से ये हमारे एजेंट होंगे। व्हाट डू यू से चाच? अरे तो सीधे सीधे बोलना, मैं एजेंट हूं नॉटी गर्ल्स का। वाह क्या बात है साले, तू तो बड़ी ऊंची चीज निकला। हाँ, होठों पे बाबी और बगल में चाबी। ऐसी बात नहीं है आप भी। तो क्या बात है साले? अरे ढलती उम्र है ना, तो बुढ़ापे को यौवन की भट्टी में तापने की जरूरत पड़ती रहती है, समझे? ओहो साले, ऊपर से तो बड़ा शरीफ बनता है और अंदर से उतना ही बड़ा कमीना है। आप कमीने नहीं है क्या? हम्म, बताइए ना, भाभी से छुप छुप कर अय्याशी नहीं करते क्या? अबे ओ साले कच्चा बनिया, नाश्ते बोल, मेरी बीवी साथ आई है शॉपिंग करने के लिए, कहीं उसने सुन लिया तो मेरी बैंड बचा देगी। बैंड क्या बच जाएगी, मुझे बताइए ना, अय्याशी करते हैं या नहीं करते हैं? हाँ हाँ करता हूँ ना। लेकिन सुन कच्चा बनियान, मेरी बीवी को इस बात की पनक तक नहीं पड़ती है। इसको रख रहे हैं, मुझे सब पता चल चुका है। खोल खोल तुम्हें बताती हूँ अय्याशी क्या होती है। अरे सब तेरी। अबे प्रेम जी। अरे यार एक जुगाड़ बना था वो भी भंग लिया। अबे ओए देखो, अरे 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 एक मिनट, कहाँ जा रहे हो ये बैग वैग पैक करके? जहन्नुम में। तुम्हारा इस बात से कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं लेना देना होना चाहिए, क्या मैं पूछ सकती हूँ? तुम ये अधिकार खो चुके हो अन्नू। अरे अच्छा, कब खोया? मुझे तो पता ही नहीं चला। जब तुमने मुझे एक नाकामयाब इंसान कहा था, तुमने जब मुझे नाकामयाब इंसान कहा ना, तो वो बात मेरे जिगर के पार गई कि तुमने अपने पति को एक नाकामयाब इंसान की डिग्री दे दी। तो और कौन सी डिग्री देनी चाहिए थी? MBBS की? नहीं, हौसलों की डिग्री जो तुमने कभी दी नहीं मुझे। अप्पा साबे का होता है जब चुड़िया चुग गई खेत। मुझे मालूम है तुम्हें पछतावा हो रहा है, लेकिन I'm sorry, अब कोई फायदा नहीं है। You missed the bus, train has left the station. Oh, station master. कोई पछतावा नहीं हो रहा है मुझे, बहुत बड़ी गलत फैमिली में हूँ। देखना चाहते हो? रुको, मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, उसका तुम जवाब दो। विभु कहाँ जा रहे हो तुम? मुझे पता मैं कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन बताऊंगा नहीं तुम्हें। तुसी तो बड़ी तैयारियां शियारियां करती हैं तुम। बस सारी तैयारियां वरियां करके ही बैठे हैं। ये बताइए कि चखने में क्या लेंगी आप? मैं तो बहुत लाइट खांदी पीनी हूँ, मैं पनीर लबाबदार ले लूंगी। आप? मैं मशरूम लूंगी। ओके। और मैं चिकन लोथड़ा। अब मेरे लिए फ्राई गुर्दा। माफ कीजिएगा, वी आर एक्चुअली वेजिटेरियन, वी कांट अफोर्ड चिकन बिकन एंड ऑल। ओए हिंदी च गाल कर, सानू हिंदी आउंदी है, उल्टा अंग्रेजी नहीं आउंदी है। पगलिए काम करो तुम, वो कुछ पनीर, मशरूम, वेज समोसा और वो ब्रेड पकौड़ा वगैरह, ये सब ले आओ। जाओ, ये सब बनाने में कल दोपहर हो जाएगा, चलेगा का? तुम पनीर ले आओ यार, जाओ। Cheers. हाय दिया, ये कौन है और कहां से आई है? इतनी बेढंगी औरतें हम अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी ना आई देखे हैं।
हेलो हेलो अम्मा जी प्रणाम कर रहे हैं। अरे कब हो बहुरिया, तुम्हारा आवाज इतना रुआसा का है? हम बहुत दुखी है। का है बैल कछु बोला का? बोले ना ही वो कर रहे हैं। का कर रहा है? अम्मा जी वो का है कि लड्डू के भैया जम कर अयासी कर रहे हैं। आप उनको कॉल करके बोलिए ना कि वो ऐसा ना ही करे। अरे बहुरिया ये तो अच्छी बात है ना, कहा है ना तिवारी खानदान का तो परंपरा है अयासी करना। अयासी तो वो क्या खून में है। हाँ अच्छा हुआ तुम हमको ये खबर सुना दी, वरना हम तो सोच रहे थे कि कभी बैल जो है अयासी कर ही नहीं पाएगा। अच्छा हुआ बैल अयासी करना शुरू तो किया है। हाय दिया। हाँ चलो। हाँ ए, ये लाइट भी ना सवेरे से गया है, पता नहीं कब आएगा। मां साहब बड़ा हाँप रहे हो, हाथ में संटी है, सूद दी है क्या तिवारी जी को? हाँ सूद दी है। क्यों मास्टर ने कुछ छेड़ तो नहीं दिया? तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? काहे सूद दी? अरे डॉक्टर साहब तिवारी भैया आए कहे मां साहब सब संटी लगा दीजिए, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, लगा दिए। यार अजीब आदमी है, हमको फोन करके बोले ऐसा है डॉक्टर साहब आप मास्टर साहब के घर के आगे जाइए, वहां पे एक घायल आदमी होगा उसकी जाके मरम पट्टी कर दीजिए, हम सीधा यहाँ चले आए। पैसे उसकी बात हो गई है ना, तो मुफ्त में मरम पट्टी करेंगे क्या? उठाओगे भैया पंचायत करते रहोगे। हाँ हाँ उठाते भैया, उठिए उठिए। हम लोग नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे बस। यार तू यार इसका कौन सा यार तू बिजनेस के शुरू में नाटक कर रहा है यार। भैया ये बात बिल्कुल गलत है, जितनी जल्दी हो ना माल खींच लेना चाहिए, पार्टी को मूड बदलने में टाइम में लगता है। लौंडा बिल्कुल ठीक कह रही है। हम लोग नहीं जाएंगे तिवारी जी क्या, एंड दिस इज फाइनल। तेरी प्रॉब्लम क्या है ये बता। ज्यादती आपके साथ नहीं होती है, ज्यादती हमारे साथ होती है, ये हमारी प्रॉब्लम है। अरे भैया तो माल आ रहा है तो थोड़ी बहुत जाति सहन कर लोगे तो क्या चले जाओगे आपको? लौंडा बिल्कुल ठीक कह रही है सेठ, मान जाओ। I'm not in the favor of going to that animal's house. मैं नहीं जाना चाहता उस एनिमल के घर। तो ठीक है वोटिंग कर लेते हैं। इसका बहुमत होगा, चल वो उसकी बात मान ली जाएगी। Sure, sure, that suits me fine. Correct. हाँ भाई सुनो, hey, hey, ध्यान दे इधर। Yeah, yeah, baby. अच्छा बनियान के घर कौन कौन जाना चाहता है? नहीं अब बताने की जरूरत है कि कौन नहीं जाना चाहता है। आइए हम आपसे वादा करते हैं कि हम आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे जिससे आपकी नजरों में हमें झुकना पड़े। हम अय्याशी वगैरह कुछ नहीं करेंगे भाभी जी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। वैसे आप ये बड़े बड़े झोले में सामान कहाँ लेके जा रहे थे, क्या है इसमें? कुछ अय्याशी का सामान उसने वो थोड़ा आप हमारी रसोई में क्या करी हैं? जाइए यहाँ से, हमारी रसोई को अपवित्र ना ही कीजिए। मेरी गलती सुन डार्लिंग। हाय डियर हमको ना ही बोलिए डार्लिंग फालिंग।
जाके बोलिए उनको जिनके साथ आप नाच रही है, गुलछर्रे उड़ा रही है, हमरे लड्डू के भैया को बोलिए जाइए। इतनी अपसेट क्यों हो रही है दस्ते से ही मैनू? अच्छा तुम्हारे पति अगर एक ना ही बल्कि चार चार औरतों के साथ ऐसे नाचेंगे, गुलछर्रे उड़ाएंगे, मस्त आएंगे तो क्या तुमको बुरा ना ही लगेगा? गुस्सा तो हर पोटी नू आंदा है जब उसका खसम बाहर जाके हैंकी पैंकी करता है, लेकिन तू क्या उन्हें गोली मार सकती है? तो उन्हें गोली नहीं मार सकती ना, तू मार दस रन मार सकती है, मार सकती है? नहीं बिल्कुल नहीं मार सकते हैं। कोट कोट के रह सकती है दस मिनट? औरत की किस्मत में और लिखाई का होता है, घुट घुट के जीना ही तो लिखा होता है। वो पति के साथ तो झगड़ा ना ही कर सकती है। वो कर सकती है अगर वो चाहे ना, तो अपने खसम नू ना को चने चबवा सकती है। एक खसम अपने को समझता क्या है? हाय दिया आपका राज का है, हमरे तो समझ में ना ही आ रहा है। वहाँ हमरे पति के साथ मस्त आ रहे हैं और यहाँ आके हमको नारी शक्ति पर भाषण भी दे रहे हैं। मेरी गाल सुन, ओ मेरा तरम सी। चाहते का है आप? मैं तुम्हें दसा जिस तरह तेरा खसम तेरे नाल हैंकी पैंकी करता है ना, तू भी ओदे नाल हैंकी पैंकी कर, तू भी अयाशी कर। सकते हैं ये तो गलते सुन, अयाशी का नाटक करना तेन। ओ कैसे? अपने खसम नु जलान ले तू अपने पड़ोसी दे नाल अफेयर कर ले। नहीं नहीं ये तो पाप है पाप, हम नहीं कर सकते ये सब। ओ मैं तेन दसा नाटक कर, अफेयर दा नाटक कर, तू देखी तेरा तेरा जो खसम है ना कैसा तेरे पीछे पीछे भज के आएगा। We are naughty girls. Aho, 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 aho. Naughty girls. अरे 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 ये क्या हो रहा भैया? पता नहीं हमको भी घर से घर सीट के लिए आए। अरे तिवारी भैया ये आते औंधे मुकाय लेट गए, बाबा बसीर की प्रॉब्लम हो गई का? मासा भाई ये सूतिए भैया, लेकिन यहाँ क्यों? अरे माँ साहब यार आप समझ नहीं रहे, आपका घर से डॉक्टर साहब का क्लिनिक बहुत दूर पड़ता है, यहाँ पहुँचते पहुँचते तक हमारी बैंड बज जाती, इसलिए यहीं आके सूतिए। तिवारी भैया ऐसा क्या कर्म कांड कर दिए कि माँ साहब को यहाँ पर सुतवाने के लिए ले? डॉक्टर साहब ये ऐसा मसला है जिसका उल्लेख करना यहाँ उचित नहीं होगा। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? अरे सूतिए सूतिए। भैया इस बार 50 रुपया पर सल्टी लेंगे। तू बहुत बड़ा व्यापारी हो गया है रे। सूतिए। हाँ हाँ सूत रहे। अंगूरी हमने तुम्हारा दिल तोड़ा, तुमने हमें देवता की तरह पूजा, अपने दिल के मंदिर मंदिर में बिठाया और हमने क्या किया, उसी मंदिर को तोड़ दिया, जबकि उस मंदिर में मूरत हमारी थी। हम बहुत बड़े पापी हैं, हम अपने पापों का प्रायश्चित करेंगे, जरूर करेंगे जरूर। हमारे ससुराल में वो जो प्रेम क्रीड़ा करते पकड़े गए थे। हाँ हाँ पगली वही वही। लव यू टू। प्रेम को थूकते नहीं पगली, आई लव यू टू होता है। ऐसे ही पकड़े हैं, हम आपसे बहुत ही प्यार करते हैं लड्डू के भैया, सच्ची बहुत बहुत ज्यादा। लेकिन हम तुमसे भी ज्यादा प्यार करते हैं पगली। ना ही लेकिन हम आपसे। हम पगली तुमसे इतना प्यार करते हैं कि दुनिया का कोई भी पति इतना प्यार अपनी पत्नी से नहीं करता होगा। बताए लड्डू के भैया आपका ये बातें सुनकर हमको कितना खुशी हो रहा है, हमारे कानों में शहद घुल रहा है। आई एम प्राउड ऑफ यू। फ्रॉड नहीं पगली, प्राउड होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। फ्रॉड का अम्मा का फोन है। हाँ अम्मा प्रणाम कर रहे हैं। हाँ खुश रहो, क्या कर रहा है बैल? बस अम्मा सोने की तैयारी चल रही है। बहुरिया है का आसपास? हाँ बहुरिया पास में ही है। अम्मा जी का कॉल है ना? अच्छा
उका कोनो बहाने से बाहर भेजो। अच्छा पगली तनिक हमारे लिए वो गर्म पानी में शहद मिला के लाओ, तनिक गले में खराश हो रही है, जाओ। हमको अम्मा जी से बात कराई। अरे एक मिनट, हमारी जरूरी बात चल रही है ना, जाओ हमारे लिए गर्म पानी में शहद घोल के लाओ, जाओ। ठीक बा, अम्मा जी हम आके आपसे बात करते हैं। हाँ बोलो अम्मा। देखो बहुरिया का कुंडली में कछु गड़बड़ चल रहा है। का गड़बड़ चल रहा है? अरे वो बीमार पड़ सकती है, उसका सेहत बहुत बिगड़ सकता है। अरे नहीं नहीं अम्मा, अंगूरी बीमार पड़ जाएगी हम कतई बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर अंगूरी बीमार पड़ गई अम्मा तो घर कौन संभालेगा, पूरा रायता फैल जाएगा। तो अगर तू चाहता है कि वो बीमार नहीं पड़े तो एक ठो उपाय करना पड़ेगा। अब पिछले 8 साल से उपाय ही तो कर रहे हैं अम्मा, बताओ क्या उपाय है। तुमको अय्याशी करना है, 3-4 ठो नचनियां ला करके घर में नचाना है और रात भर पीना है, और ये सब तुमको बहुरिया के सामने करना है। और सुनो, बहुरिया के आंसुओं से पिघलना नहीं है, समझा? रह गई पगली। आ गई आ गई। आपके नेत्रों के कमंडल में जो प्रेम रस है, हम उसका स्वादन करना चाहते हैं बेला जी, लेकिन क्या बताएं, हमें हमारी बीवी से बहुत डर लगता है, वो बहुत जज्बाती है, बात बात में पिन्नाने लग जाती है, और फिर जब उसे पता चलेगा हमारे और आपके प्रगाढ़ प्रेम संबंध के विषय में, तो खाम खा पिन्ना जाएगी, फिर कभी अम्मा को फोन, कभी डैडू को फोन। और बेला जी हम नहीं चाहते कि हमारे और आपके नाजायज प्रेम संबंध के विषय में किसी को खबर हो, क्योंकि एक बार खबर हो गई तो फिर रायता फैल जाएगा, रायता फैल जाएगा तो फिर हम और आप एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, जुदा हो जाएंगे, और हम आपकी जुदाई बर्दाश्त ना कर पाएंगे बेला जी, नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। What the fish? भैया तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? क्या उल्टी सुल्टी सलाह दे रहे हो हमको आप? कसम खा के कह रही हूँ, अगर पकड़े गए ना तो वो निछावर खोर दरोगा हप्पू सिंह और कमिश्नर साहब उल्टा लटका लटका के मारेंगे। लेकिन मुझे तो विभूति भैया का ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। Naughty girls, I like it. लेकिन मुझे कुछ खास नहीं लगा। मैं आप लोगों से पूछ भी दे रहा हूँ कि किसको खास लगा, किसको आम लगा। जिसको करना है करो, वरना शहर में बहुत सारे लौंडे हैं जो बेरोजगार घूम रहे हैं। भैया 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 मैं दूंगा आपका साथ। मुझे पता चल सकता ना जी, आप देंगे मेरा साथ? भैया मुझे तो बस 4 थप्पड़ से मतलब है, 4 थप्पड़ से। साथ देना या न देना इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। आपको मैं 4 थप्पड़ दूंगा सक्सेना जी, लेकिन मैं तो रोज के 40,000 कमाऊंगा, 40 grand a day. What the hell? Yeah? 40,000 bucks? 40,000 रुपए कैसे? देखो बेटा ऐसा है कि शहर में जब तक अय्याश हैं और अय्याशी जिंदाबाद है, तो हम जैसे आदमी कम से कम रोज का 10 लाख तो कमाई रखते हैं। No props, बैडी। हम भी ट्राई कर लेंगे, जामे का है हमारी भैया। हाँ आ रही है। चार्ज पॉल्यू से क्या बोलते हैं भाई? जब सब राजी तो क्या करेगा काजी? तो ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज से नॉटी गर्ल्स की, ठीक है? Yes. मैं टीका टिलू सक्सेना जी, हम बनेंगे नॉटी गर्ल्स। Okay. और चूंकि चाच बहुत बड़े चिरांद हैं, बहुत पहुंची हुई चीज है, इन्होंने गली गली की खाक छानी हुई है, उस लिहाज से ये हमारे एजेंट होंगे। व्हाट डू यू से चाच? अरे तो सीधे सीधे बोलना, मैं एजेंट हूं नॉटी गर्ल्स का। वाह क्या बात है साले, तू तो बड़ी ऊंची चीज निकला। हाँ, होठों पे भाभी और बगल में चाबी। ऐसी बात नहीं है, आप भी
तो क्या बात है साले? अरे ढलती उम्र है ना, तो बुढ़ापे को यौवन की भट्टी में तापने की जरूरत पड़ती रहती है, समझे? ओहो साले, ऊपर से तो बड़ा शरीफ बनता है और अंदर से उतना ही बड़ा कमीना है। तो आप कमीने नहीं है क्या? हम्म, बताइए ना, भाभी से छुप छुप कर याशी नहीं करते हैं क्या? अबे ओ साले कच्चा बनिया, नाश्ते बोल, मेरी बीवी साथ आई है शॉपिंग करने के लिए, कहीं उसने सुन लिया तो मेरी बैंड बचा देगी। बैंड क्या बच जाएगी, मुझे बताइए ना, याशी करते हैं या नहीं करते हैं? हाँ हाँ करता हो ना, लेकिन सुन कच्चा बनियान, मेरी बीवी को इस बात की पनक तक नहीं पड़ती है। इसको लग रहा है मुझे सब पता चल चुका है, खबर चलो तुम्हें बताती हूँ याशी क्या होती है। अरे सब तेरी, अबे प्रेम जी, अरे यार एक जुगाड़ बना था वो भी भंग लिया। अबे ओए देखो, अरे 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 छोड़ो, कहाँ जा रहे हो ये बैग वैग पैक करके? जहन्नुम में। तुम्हारा इस बात से कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं लेना देना होना चाहिए, क्या मैं पूछ सकती हूँ? तुम ये अधिकार खो चुके हो अन्नू। अरे अच्छा, कब खोया? मुझे तो पता ही नहीं चला। जब तुमने मुझे एक नाकामयाब इंसान कहा था, तुमने जब मुझे नाकामयाब इंसान कहा ना, तो वो बात मेरे जिगर के पार हो गई कि तुमने अपने पति को एक नाकामयाब इंसान की डिग्री दे दी। तो और कौन सी डिग्री देनी चाहिए थी? MBBS की? नहीं, हौसलों की डिग्री, जो तुमने कभी दी नहीं मुझे। अप्पा साबे का होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। मुझे मालूम है तुम्हें पछतावा हो रहा है, लेकिन I'm sorry, अब कोई फायदा नहीं है। You missed the bus. Train has left the station. Oh, station master. कोई पछतावा नहीं हो रहा है मुझे, बहुत बड़ी गलत फहमी में हूँ। देखना चाहते हो? रुको, मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, उसका तुम जवाब दो। विभु, कहाँ जा रहे हो तुम? मुझे पता है मैं कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन बताऊंगा नहीं तुम्हें। तुसी तो बड़ी तैयारियां शियारियां करती हैं तुम। बस सारी तैयारियां वैयां करके ही बैठे हैं। ये बताइए कि चखने में क्या लेंगी आप? मैं तो बहुत लाइट खांदी पींदी हूँ, मैं पनीर लबाब दाल ले लूंगी। आप? मैं मशरूम लूंगी। ओके। और मैं चिकन लोथड़ा। अब मेरे लिए फ्राई गुर्दा। माफ कीजिएगा, वी आर एक्चुअली वेजिटेरियन, वी कांट अफोर्ड चिकन बिकन एंड ऑल। ओए हिंदी च गाल कर, सानू हिंदी आउंदी है, उल्टा अंग्रेजी नहीं आउंदी है। पगले काम करो तुम, वो कुछ पनीर, मशरूम, वेज समोसा और वो ब्रेड पकौड़ा वगैरह, ये सब ले आओ। जाओ, ये सब बनाने में कल दोपहर हो जाएगा, चलेगा का? तुम पनीर ले आओ यार, जाओ। Cheers. हाय दिया, ये कौन है और कहां से आई है? इतनी बेढंगी औरतें हम अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी ना ही देखे हैं। हेलो, हेलो अम्मा जी, प्रणाम कर रहे हैं। अरे कब अम्बा उरिया, तुम्हारा आवाज इतना रुआसा का है? हम बहुत दुखी है। का है, बैल का छुबोला का? बोले ना ही वो कर रहे हैं। का कर रहा है? अम्मा जी वो का है कि लड्डू के भैया जम कर अयासी कर रहे हैं। आप उनको कॉल करके बोलिए ना कि वो ऐसा ना ही करे। अरे बहुरिया, ये तो अच्छी बात है ना, कहा है ना तिवारी खानदान का तो परंपरा है अयासी करना, अयासी तो वो क्या खून में है। हाँ अच्छा हुआ तुम हमको ये खबर सुना दी, वरना हम तो सोच रहे थे कि कभी बैल जो है अयासी कर ही नहीं पाएगा। अच्छा हुआ बैल अयासी करना शुरू तो किया है। हाँ चलो। हाँ ए, ये लाइट भी ना सवेरे से गया है, पता नहीं कब आएगा।
हाय मां साहब, बड़ा हाँप रहे हो, हाथ में संटी है, सूद दी है क्या तिवारी जी को? हाँ सूद दी है। क्यों मास्टर ने कुछ छेड़ तो नहीं दिया? तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? काहे सूद दी है? अरे डॉक्टर साहब, तिवारी भैया आए कहे माँ साहब सब सल्टी लगा दीजिए, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, लगा दिए। यार अजीब आदमी है, हमको फोन करके बोले ऐसा है डॉक्टर साहब आप मास्टर साहब के घर के आगे जाइए, वहां पे एक घायल आदमी होगा उसकी जाके मरम्मती कर दीजिए, हम सीधा यहाँ चले आए। पैसे की बात हो गई है ना, तो मुफ्त में मरम्मती करेंगे क्या? उठाओगे भैया, पंचायत करते रहोगे। हाँ हाँ उठाते भैया, उठिए उठिए। हम लोग नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे बस। यार तू, यार इसका कौन सा, यार तू बिजनेस के शुरू में नाटक कर रहा है यार। भैया ये बात बिल्कुल गलत है, जितनी जल्दी हो ना माल खींच लेना चाहिए, पार्टी को मूड बदलने में टाइम में लगता है। लौंडा बिल्कुल ठीक कह रही है, हम लोग नहीं जाएंगे तिवारी जी क्या, एंड दिस इज फाइनल। तेरी प्रॉब्लम क्या है ये बता। ज्यादती आपके साथ नहीं होती है, ज्यादती हमारे साथ होती है, ये हमारी प्रॉब्लम है। अरे भैया तो माल आ रहा है तो थोड़ी बहुत जाति सहन कर लोगे तो कहाँ चले जाओगे आपको? लौंडा बिल्कुल ठीक कह रही है सेठ, मान जाओ। I'm not in the favor of going to that animal's house. मैं नहीं जाना चाहता उस एनिमल के घर। तो ठीक है वोटिंग कर लेते हैं, इसका बहुमत होगा, चल वो उसकी बात मान ली जाएगी। Sure, sure, that's good me, fine. Correct? हाँ भाई सुनो, hey, hey, ध्यान दे इधर। Yeah, baby. कच्छा बनियान के घर कौन कौन जाना चाहता है? नहीं अब बताने की जरूरत है कि कौन नहीं जाना चाहता है। आइए हम आपसे वादा करते हैं कि हम आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे जिससे आपकी नजरों में हमें झुकना पड़े, हम अय्याशी वगैरह कुछ नहीं करेंगे भाभी जी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। वैसे आप ये बड़े बड़े झोले में सामान कहाँ लेके जा रहे थे, क्या है इसमें? कुछ अय्याशी का सामान उसने ये थोड़ा आप हमारी रसोई में क्या करी हैं? जाइए यहाँ से, हमारी रसोई को अपवित्र ना ही कीजिए। मेरी गलती सुन डार्लिंग। डार्लिंग हमको ना ही बोलिए डार्लिंग फार्लिंग, जाके बोलिए उनको जिनके साथ आप नाच रही है, गुलछर्रे उड़ा रही है, हमारे लड्डू के भैया को बोलिए जाइए। कितनी अपसेट क्यों हो रही है दस्ते से मैनू? अच्छा तुम्हारे पति अगर एक ना ही बल्कि चार चार औरतों के साथ ऐसे नाचेंगे, गुलछर्रे उड़ाएंगे, मस्त आएंगे तो क्या तुमको बुरा ना ही लगेगा? और गुस्सा तो हर पोटी नु आंदा है जब उसका खसम बाहर जाके हैंकी पैंकी करता है, लेकिन तू क्या उन्हें गोली मार सकती है? तो उन्हें गोली नहीं मार सकती ना, तू मार दस रन मार सकती है, मार सकती है? नहीं बिल्कुल ना ही मार सकते हैं। कोट कोट के रह सकती है दस मिनट? औरत की किस्मत में और लिखा ही का होता है, घुट घुट के जीना ही तो लिखा होता है, पति के साथ तो झगड़ा ना ही कर सकती है। वो कर सकती है अगर वो चाहे ना, तो अपने खसम नू ना को चने चबवा सकती है। एक खसम अपने को समझता क्या है? हाय दिया आपका राज का है, हमरे तो समझ में ना ही आ रहा है, वहाँ हमरे पति के साथ मस्त आ रही हैं और यहाँ आके हमको नारी शक्ति पर भाषण भी दे रहे हैं। मेरी गाल सुन, ओ मेरा तरम सी। तो चाहते का हैं आप? मैं तुम्हें दसा जिस तरह तेरा खसम तेरे नाल हैंकी पैंकी कर रहा है ना, तू भी उसके नाल हैंकी पैंकी कर, तू भी अय्याशी कर। हम नहीं कर सकते हैं ये तो। गलते सुन,
याशी दा नाटक करना तेनू। ओ कैसे? अपने खसम नू जलान ले ही तू अपने पड़ोसी दे नाल अफेयर कर ले। नहीं नहीं, ये तो पाप है पाप। हां हम नहीं कर सकते ये सब। ओ मैं तेनू दसा, नाटक कर अफेयर दा नाटक कर, फिर तू देखी तेरा तेरा जो खसम है ना कैसा तेरे पीछे पीछे भज के आवेगा। वी आर नॉटी गर्ल्स, आहो 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 नॉटी गर्ल्स। अरे अरे अरे, ये क्या हो रहा भैया? पता नहीं हमको भी घर से घर सीट के लिए आए। अरे तिवारी भैया, ये आते औंधे मुकाय लेट गए, बाबा में सिर की प्रॉब्लम हो गई का? माँ साहब आइए सोतिए। भैया लेकिन यहाँ क्यों? अरे माँ साहब यार, आप समझ नहीं रहे हैं, आपका घर से डॉक्टर साहब का क्लिनिक बहुत दूर पड़ता है, यहाँ पहुँचते पहुँचते तक हमारी बैंड बज जाती, इसलिए यहीं आके सोतिए। तिवारी भैया ऐसा क्या कर्म कांड कर दिए कि माँ साहब को यहाँ पर सुतवाने के लिए ले आए? डॉक्टर साहब ये ऐसा मसला है जिसका उल्लेख करना यहाँ उचित नहीं होगा। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? अरे सूतिए सूतिए। भैया इस बार 50 रुपया पर सर्टी लेंगे। तू बहुत बड़ा व्यापारी हो गया है रे। हाँ सूत रहे। अंगूरी, हमने तुम्हारा दिल तोड़ा, तुमने हमें देवता की तरह पूजा, अपने दिल के मंदिर मंदिर में बिठाया, और हमने क्या किया, उसी मंदिर को तोड़ दिया, जबकि उस मंदिर में मूरत हमारी थी। हम बहुत बड़े पापी हैं, हम अपने पापों का प्रायश्चित करेंगे, जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। डॉक्टर साहब, टूट जाती है, सब मोती बिखर जाते हैं, बाद में अगर कभी साथ में आ भी जाए ना तो हमेशा के लिए एक ठुक गांठ रह जाता है। अभी आई रियली कांट फिगर आउट कि आप किस दिमाग की औरत है। क्या बोले? बताइए आपको मेरी क्या मदद चाहिए? How can I help you? वो कहा है ना कि आप हमारे साथ फेयर कर लीजिए। भाभी जी आप तो ऑलरेडी काफी फेयर हैं, आप शायद अफेयर करना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। आप हमारे साथ प्यार कीजिए, हमको आपका प्यार चाहिए। Just a second, let me fathom this. Oh my God, आज मेरी जिंदगी की सारी इच्छाएं पूरी हो रही, भाभी जी ने सामने से मुझे ऑफर किया है। काश भले ये सारा खेल मेरा रचाया हुआ है, लेकिन फिर भी मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं दो कश्ती का सवार हूं, एक तरफ अन्नू है, एक तरफ भाभी जी, दो बस मेरा वेट कर रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किस बस में चढ़ के निकल लूं। जी क्या हुआ? ऊपर आइए, का कर रहे थे वहां? भाभी जी आई एम सॉरी, आप मुझसे इस तरह की बात नहीं कर सकते। मैं एक बड़ा शरीफ किस्म का शादीशुदा आदमी हूं। आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी। आप इतना काहे घबरा रहे हैं? हम आपसे प्यार का नाटक करने के लिए बोल रहे हैं। असली प्यार तो वैसे भी हमरा हमरे देवता हमरा प्यार तो लड्डू के भैया हैं। हम तो केवल इतना बोल रहे हैं कि आप नाटक कर लीजिए ताकि लड्डू के भैया हमारी जिंदगी में वापस आ जाएं। ठीक है भाभी जी, आप उसे प्यार कर सकती हैं, चाहे तो टूट के भी कर सकती, मतलब नाटक कर सकती हैं। I'm all yours. मेरा दिल भी आपका है, मेरा जिस्म भी आपका है, मेरे बदन का कोई भी हिस्सा आप इस्तेमाल कर सकती हैं, एनीथिंग यू फील लाइक। के तो मैं रौंदू, तेरे बदन का इस्तेमाल हो जाएगा। पतरी अम्मा को बोल तेरे अब्बा को लेके जाए खेतों में, कमबख्त मरता भी नहीं दिखता भी नहीं। भाभी जी पत्नी जाके मैं चलता हूं। ओके भाभी जी मैं तैयार हूं फिर, आई लव यू। यही 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 करना है, लेकिन
चाचू के भैया के सामने कीजिए। हाँ ठीक है भाभी जी, उनके पीछे भी करूँ कभी कभी। पीछे भाभी जी, आप हमारे पड़ोसी तिवारी जी को जानते हैं? तिवारी सुनो सुनो तिवारी जी, अरे हम तनक दूसरे। हाँ हाँ भैया तिवारी अपने, हाँ जानते हैं। उनके घर नॉटी गर्ल्स का डांस चल रहा है। अच्छा, ये शाहरुख चिरांद तिवारी मजे लूट रहे हो और हमें पता तक नहीं है, जो कि एक शरीफ मोहल्ले के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। आप तुरंत इस पर कोई कार्यवाही कीजिए और तिवारी जी को अरेस्ट कीजिए। बिल्कुल गोरी मैम, आपने आदेश, आपने कह दी मतलब काम हो गया। हम जा चीज में बिल्कुल खुद घुस के बिल्कुल गहराई में जाके उचित कार्रवाई करेंगे, बल्कि आप जो सोचो कि कार्रवाई शुरू हो गई है, बिल्कुल आनंद फानन काम करेंगे, है ना? यस, थैंक यू। लंच करो भी गोरी मैम? नहीं नहीं नहीं, लस्सी पी लूं? लस्सी जी नहीं। तो छाछ मंगवा दें? नहीं। तो मुझे चाय हो जाए, कड़क कड़क चाय हो जाए। हप्पू सिंह जी, मैं यहाँ मेहमान नवाजी करवाने नहीं आई हूँ। बिहेव योर सेल्फ। संजय महेश्वरी जी, आजकल एंजॉय एंजॉय नहीं कर रहे हैं क्या? अरे कैसी बातें कर रहे हैं, मैं करवाता हूँ ना आपको एंजॉय। सुनिए, मेरे पास एक ग्रुप है चार लड़कियों का, नॉटी गर्ल्स के नाम से। कहो तो भेज दूं? अरे एक चाय पिलाना तो। ये कोई चाय पीने की उम्र है? तो क्या ये जहर पीने की उम्र? तो क्या ये जहर पीने की उम्र है? दूध पीने की उम्र है। देखिए आप क्या करिए कि आधा किलो दूध में पिस्ता बादाम डालिए, हल्का हल्का गर्म कीजिए और पी जाइए, उसके बाद देखिए कैसी ताजगी और स्फूर्ति आएगी, जीने की तमन्ना जाग उठेगी। तो आप बताइए, आप कोई डॉक्टर हैं या आप हकीम हैं या वैद्य हैं, क्या है आप? बुझे हुए चिरागों को रोशन करता हूँ, वो भी हुस्न की चिंगारी से। इतना घुमा फिरा की बात क्यों कर रहे हो, सीधी सीधी बात क्यों नहीं करते? आप एजेंट हैं? अरे नहीं नहीं, एजेंट नहीं हूँ मैं, आपकी तरह एक शौकिया आदमी हूँ। आपसे किसने कह दिया कि मैं शौकिया हूँ? आपकी शक्ल देख के लग रहा है कि आप बहुत ही आशिक और अय्याश मिजाज के इंसान हैं। आपका थोबड़ा देख कर लगता है कि आप बहुत बड़े अय्याश हैं। बिल्कुल सही फरमाया आपने। आप चाहते क्या हैं? अरे आप बताइए, आप क्या चाहते हैं हमसे? देखिए मेरे पास चार लड़कियां हैं, एकदम हुस्न से भरपूर। अच्छा जी, एक बार मिल लीजिए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं बहुत शरीफ इंसान हूं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक शरीफ इंसान से इस तरह की बात करने की? चलो स्टेशन। नहीं नहीं, पुलिस स्टेशन क्यों? देखिए मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया? मैंने तो सिर्फ आपसे पूछा था, पूछना कोई गुनाह है? बहुत बड़ा गुनाह है, तुम सारे लोगों को अपने से समझते हो। नहीं नहीं, देखिए मुझसे गलती हो गई, मैंने गलत पार्टी से मतलब पूछ लिया। बेटा अगर आइंदा तुम मेरे सामने आया तो तुम्हारी मैं बैंड बजा दूंगा। पता नहीं किस किस तरीके लोगों से पाला पड़ जाता है यार। वैसे चाचा जी, खर्च कितना आएगा? अबे तू रहने दे, दुकान मिल जाएगी तेरी वहां पे। खर्च कितना आएगा? क्या कांड कर दिया उसने आज? आज फिर से वो चार चार नाटी गर्ल्स को बुलाए हैं और कमर तोड़ तोड़ कर नाच रहे हैं उनके साथ, पैसा लुटा रहे हैं, कभी अपनी गोद में बिठाते हैं तो कभी कंधे पर, और अभी तो हम देख ही रहे, अपनी पीठ पर उन आंटी गर्ल्स को बिठाकर पूरे हाल में घुमा रहे घोड़ा घोड़ा बनकर। लोगे पहले छाप रहे हैं। गॉड, तिवारी जी ने तो बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। अच्छा मेरी एक बात समझ में नहीं आती, अगर आदमी थोड़ी बहुत अय्याशी कर रहा है तो इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है भाई?
ऐसे क्या घूर रहे हो मुझे? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? भाई आदमी पूरी जिंदगी जो है कमाता है और अपने लिए जरा सा भी टाइम नहीं निकाल पाता, अब थोड़ा बहुत वो लोगों के साथ मनोरंजन कर रहा है तो बताए इसके दो फायदे हैं, एक तो उसका दिल बहल रहा है और दूसरा वो नचनिया जो है ना उनको अपने ठुमके लगाने की थोड़ी बहुत कमाई भी हो जाती है। भाई आखिर वो भी इंसान है। चाचा जी एक बात बताइए, आप क्या उनके मैनेजर हैं? हाँ। हाँ? मेरे, मेरा मतलब यह है कि भाई इस दुनिया में जो भी इंसान है उसे जीने का हक है। ऐसे लोगों को जीने का कोई हक नहीं है जो दूसरों की लाइफ डिस्टर्ब करते हैं। पूना अनीता जी बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। कहा बताया अनीता जी आपको, चारों की चारों नाटी गर्ल्स है ना, उन्हें बहुत ही घटिया है। वो हमारे लड्डू के भैया के साथ बहुत अश्लील हरकतें करती है। अभी जब हम वहाँ खड़े थे, कहा बताए वो चारों लड्डू के भैया की गोद में बैठी थी और आपको पता है लड्डू के भैया हमसे क्या मांगे? क्या? सलाद। आप तो हमको सलाद दे दीजिए अनीता जी, ना ही तो हम पर चिल्लाएंगे। अरे क्यों चिल्लाएंगे आप पर, वो आप उनकी नौकर है क्या? आप रुकिए, मैं अभी उनकी ना अकल ठिकाने लगा के आती हूँ। हाय दिया, नहीं नहीं आप संभल के जाइएगा, ना ही तो हॉट हो जाएंगे। आप हर्ट कहना चाह रही हैं वैसे? ऐसे ही पकड़े हैं। अंगूरी जी आप भी ना कितनी भोली हैं, आप अभी भी उनकी फीलिंग्स की परवाह कर रही हैं। चाचा जी आप अंगूरी जी का ध्यान रखिए, मैं जरा तिवारी जी से निपट के आती हूँ। भगवती जी आप तू आप तू दिया। तिवारी जी मैं अकेला नहीं हूँ, दोनों लौंडे भी हैं ये और पीछे ये सक्सेना जी भी हैं। इंसान के अकेलेपन को दूर करने का और उसको एंटरटेन करने का और दूसरों को लूटने का भी। क्या बकवास कर रहे हैं आप लूटने का? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपके इस गैंग ने हमारे इतने लाखों रुपया लूटा है। चूस मी पूरे दिन एंजॉय करो उसको कहा है। पहले दूसरों की चीखें निकलवाते रहे हो, अब खुद की चीख निकल गई? कसम से कह रही हूँ तुमने हमारी चीखें निकलवा दी हैं। तो ज़्यादा बकवास मत कर समझा, नहीं तो पीटेगा। पीटेंगे नहीं, अब आप सबको पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। किस जुर्म में लेके जाएंगे पुलिस स्टेशन आप हमको? पहली बात तो ये, हम औरतें नहीं है, हम मर्द है। हाँ इस आदमी को ले जा सकते हैं आप, बिकॉज इसने अपने आप को हम पे फोर्स किया है। अरे हमारा शोषण भी करो है या? तिवारी जी क्या नया शौक पाल लिया आपने, आप तो पहले ऐसे नहीं थे। ये क्या बकवास कर रहे हैं यार आप? इका सुन रहे हम लड्डू के भैया, हाय दिया हम तो बाहर किसी को मुंह दिखाने लायक ना ही बच्चे। नहीं बहुरिया ऐसा नहीं है। दिया अम्मा जी, अम्मा जी प्रणाम कर रहे हैं। झुक झुक जी उम्र बच्चे, हमको माफ कर दो हमारी बच्ची, हमारी वजह से तुम हॉट हो गई है। नहीं अम्मा जी, हम आपकी वजह से हॉट नहीं हुए हैं, हमको तो लड्डू के भैया हॉट किए हैं। भाभी जी आप तो ऑलरेडी काफी हॉट हैं, आप हर्ट हर्ट कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। अरे आंटी जी वो बताए ना क्या कह रही थी आप? हाँ अफसोस है कि कोनो फायदा नहीं हुआ इका। कहा है ना कि पंडित राम फल तो बुढ़ा गए हैं ना, तब गलती से गलत कुंडली देख ली है और गलत टोटका बता दी है। वो बोले हैं कि बैल को जो है चाटू औरत के साथ में नहीं, चाटू मर्द के साथ में यासी करना है। लो गई पानी में। दिया बाबूती जी आपके और आपके गैंग के पास अगर कुछ दिन खाली